अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है। एक बड़ी खबर आपको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला सुनाया है, 4-3 से फैसला आया है और अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की एक नई बेंच बनेगी। अब यह भी बड़ा अपडेट आपको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अब एक नई बेंच का निर्धारण होगा। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर नई बेंच का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि ये नई बेंच अब तय करेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। यही बेंच तय करेगी कि एएमयू का दर्जा क्या होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन 4-3 की जो बहुमत है उससे यह फैसला आया है कि यह बेंच नहीं बल्कि एक नई बेंच अब तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 30 बरकरार रहने वाला है या फिर नहीं, और यही इस नई बेंच का काम होगा। अब जस्टिस संजीव खन्ना टेक ओवर करेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, क्योंकि उनका यह आखिरी दिन है आज कार्यकाल का। ऐसे में अब उनकी अगुवाई में ये नई बेंच काम करेगी और ये नई बेंच ही फैसला लेगी कि अल्पसंख्यक दर्जों के मापदंड क्या होंगे। ये मापदंड भी तय किए जाएंगे और ये भी तय किया जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखेगी या फिर नहीं। तो अल्पसंख्यक मानने के मानदंड क्या होंगे ये 3 जजों की बेंच अब तय करेगी। अल्पसंख्यक चरित्र का जहां उल्लंघन न हो, सेक्टरिंग संस्थान को जिसे रेगुलेट किया जाए, धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है, और इस फैसले में जो विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बिल्कुल नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर अब छोड़ा जाएगा, उनको दिया जाएगा। यानी कि लास्ट वर्किंग डे, काम करने का आखिरी दिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, और ये कि ये बड़ा फैसला जो कि 4-3 से आया है, लेकिन 3 जजों की बेंच अब मानदंड तय करेगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब संजय, ये नई बेंच का गठन होगा, 3 जजों की ये बेंच होगी, इनका काम अब माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं ये होगा, या फिर आज ही जो फैसला आया है उसी को ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको स्पष्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस है कि आज फैसला आ गया है इसे लेकर या फिर ये नई बेंच अब फैसला देगी। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर नई बेंच फैसला देगी, वो सुनवाई करेगी, लेकिन इस बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए डूज एंड डोंट्स, उनके लिए क्या बुनियादी मानदंड हैं वो तय कर दिए हैं। इनका ये कहना है कि ये कोई जरूर, चूंकि जो पुराना मोहम्मद बादशाह का फैसला था उसमें ये कहा गया था कि प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही अल्पसंख्यक संस्थानों के द्वारा होने चाहिए, उसी सेम यूनिवर्सिटी या संस्थान के द्वारा होने चाहिए, लेकिन यहाँ ये है कि इसका जो प्रशासन प्रबंधन है वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन प्रशासन का जिम्मा वो केंद्र सरकार उठाती है क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब इन सारे आधारों पर ये तो मानदंड तय कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि उसमें कोई जरूरी नहीं कि प्रबंधन और प्रशासन कौन करता है, लेकिन वो क्या वो अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहा है, इस पर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का क्राइटेरिया तय होगा। इस पर 3 जजों की पीठ होगी, 3 जजों की पीठ इस पर तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 7 जजों की पीठ ने जो दायरा खींचा है क्या उसके अंदर आता है या नहीं। संजय, आर्टिकल 30 का जिक्र हो रहा है जिसके अंतर्गत ये सारी पावर्स मिली हुई है, क्या उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि आपको नए सिरे से तय करना होगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी, डूज एंड डोंट्स होंगे। वो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 30, इनमें जो प्रावधान बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि ये मानदंड होने चाहिए अल्पसंख्यक संस्थान बनाने के लिए, और अब क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इन सारे मानदंडों पे खरा उतरता है इसका फैसला 3 जजों की पीठ करेगी। यानी उन्होंने बहुत एक विस्तृत दायरे में अपना फैसला दिया है जिसमें ये बताया है कि कौन सा अल्पसंख्यक संस्थान हो सकता है कौन सा नहीं, क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस पर फिट बैठता है, इसका फैसला अब 3 जजों की जो विशेष पीठ रहेगी वो पीठ करेगी। इसके अलावा संजय, लगातार कहा जा रहा था कि जितने भी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर जिस तरीके से रिजर्वेशन किया जाता है उसको लेकर भी कई तरीके के डिबेट्स हो चुके हैं। अब जब आज ये फैसला आया है तो उसको शैक्षिक संस्थान
जो केंद्र शासित हैं, कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कई इस तरह की माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज, वो किस तरीके से देखती हैं? उसी को स्पष्ट किया है इन्होंने कि कई जगह ऐसा है कि उसका प्रशासन यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट है, वो दोनों वही संस्थान करते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें जो इसका मैनेजमेंट है वो तो AMU करता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन तय करती है केंद्र सरकार। तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा विभेद इसलिए है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रशासन और प्रबंधन अल्पसंख्यकों के हाथों में ही हो। तो ये स्पष्टता ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अलग करती है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम अगर हम संकेत माने, जो संकेत तय किए हैं, जो नियम तय किए हैं, जो प्रावधान बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ, उस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना खरा उतरता है, इसका फैसला 3 जजों की बेंच करेगी।